तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल पर मैं दोस्तों। तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 11 दोस्तों, हम खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क राइजिंग। तो पिछले ही एपिसोड में हम जाते हैं आइस केव में, जहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे क्यूरम है। हम जाते हैं फाइनली वहाँ पे, देखते हैं तो जो नीलम वाले वाली लड़की होती है तो उस पर वो क्यूरम हावी हो जाता है। तो हम फाइनली क्यूरम को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम आइस सिटी में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ के अंडरग्राउंड सिटी में कुछ चल रहा है। तो हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, वहाँ पे पहले ही हमारी विलन टीम पहुँच जाती है और फाइनली उनको डिफीट कर देते हैं दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट बैच आ चुका है आइस बैच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा सब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। सर पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तो दोस्तों ये है स्कारमरी। तो सबसे पहले आंसर दिया है पोकी मास्टर ने, फिर दिया पोकी प्रो ने, फिर दिया है आइकन ने, उसके बाद दिया है पोकेमॉन गेमिंग। दोस्तों ये वो डी पोकेमॉन आर्ट फैन थे जिनने जवाब दिया दोस्तों। अगर आप डी पोकेमॉन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ स्ट्रीम पे आने वाला है। चुनो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट बैच होने वाला है। जिम लीडर तो जिम में आ चुका है, पहले वो वहीं पे खड़ा था अंडर टाउन में बिना कुछ किए हुए। तो यहाँ पे अब हमें अपना ध्यान से इस पजल को सॉल्व करना है। तो मैंने इस पजल को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे तुम्हें हर बंदे से बैटल करना पड़ेगा, उसी के बाद तुम जिम लीडर तक पहुंच पाओगे, क्योंकि मीन सबको हराने के बाद ही तुम लीडर तक पहुंच पाओगे। तो इस अब इससे हम बात करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी ना अब उसी मतलब जो ये मेन पोकेमॉन की बात कर रहे हैं आरसीएस उसके पीछे वगैरह वगैरह, ये भी होस्टेज है। तो अगर हमने इसको डिफीट कर दिया तो हमें नेक्स्ट बैच मिल सकता है जो हमारा फोर्थ बैच होगा। बहुत पीछे चल रहे हैं बैच इसमें यार, मतलब यहाँ पे दूसरे इवेंट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जिम बैच जीतने से। अभी तक हम फोर्थ बैच पे, नॉर्मली अगर हमारा ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 11th एपिसोड है ना, नॉर्मली हम 11th एपिसोड में ना हम वहाँ पे होते हैं अपना पोकेमॉन लीग के आसपास होते हैं, और अभी हम बैच जीते हैं। मेरे हिसाब से ये आराम से 18-19 एपिसोड्स लेगा गेम को कंप्लीट होने के लिए। ये मेरा एस्टिमेट है, उसके बाद पता लगेगा कि क्या हिसाब किताब है। अभी तो मैं सिर्फ एक एस्टिमेट दे सकता हूँ कि इतना टाइम लगेगा। ओके चलो देखते हैं। मेरे हिसाब से इसके ये जो ग्लेसियन है इसको ना एक्सप्लोजन जरूर आता होगा। नॉर्मली ऐसे पोकेमॉन को एक्सप्लोजन आता ही आता है। मैंने इसका एक पोकेमॉन टेक डाउन कर दिया है, पर हाँ अगर इसने एक्सप्लोजन किया तो इसके पोकेमॉन भी मरेंगे। दो पोकेमॉन इसके मरेंगे, दो मेरे मरेंगे, इतना तो मुझे भी पता है। ठीक है ना, आप देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला है। और मेरे से मिलोटिक्स होना चाहिए ना, नॉर्मली बस मिलोटिक्स होता ना इस टाइप पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास। नहीं लैप्रेस है, लैप्रेस भी हो सकता है। अरे देखा, मैंने से बात की थी एक्सप्लोजन की, एक्सप्लोजन हो भी गया। यहाँ पे मेरे एम्ब्रोर की एचपी गई। 72 को सर्वाइव करना चाहिए, ये नहीं सर्वाइव किया। चलो ये तो खलास हो गया। अब विनस और तुम्हारी बारी, जाके तुम सर्वाइव कर पाओगे। विनस और भी नहीं सर्वाइव कर पाया। ओके लैप्रेस तुम भी जाओगे, चिंता मत करो। अगर हमारे 70 के पोकेमॉन सर्वाइव नहीं करते तो 55 के हो तुम भी सर्वाइव नहीं करोगे। इसके 3 पोकेमॉन गए, मेरे 2 पोकेमॉन गए, ये ठीक था। अब इसके से हमें 3 पोकेमॉन और हराने हैं और उसके बाद हम आराम से बैच जीत लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की बारी है। मैं इस पर ट्रस्ट करूंगा अपना लुकारियो और इलेक्ट्रिक वायर, क्या बोलते हो इलेक्ट्रिक वायर पर यकीन करें, हाइड्रो कैनल। ओके ये अच्छा मूव है, ऐसा करते हैं कि हम हाइड्रो कैनल को, एक्यूरेसी 90 की है पर 150 का इसका डैमेज है। मैं सुपर पावर हटा रहा हूँ, सुपर पावर की एक्यूरेसी अच्छी है, फिर भी चलो हटा देते हैं इसको। फाइन टाइम मूव, मैंने फाइन टाइम मूव पढ़ा तो है पहले से। ओके देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला है इसका। हम यूज़ करेंगे अपना, पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उसके बाद लुकारियो की, लुकारियो का है यहाँ पे अपना ओरा स्फीयर सुपर इफेक्टिव हो रहा है। ओके ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन भी है, तो इस पर आइस टाइप में इलेक्ट्रिक टाइप मूव काम नहीं करते हैं नॉर्मली। तो हाँ तो लुकारियो इसको संभाल लेगा, मैरोवाइन को जो भी इसका नाम है, मैरोवाइन जो भी है। और ये है जिंक्स, जिंक्स को इलेक्ट्रिक वायर संभालेगा। देख इलेक्ट्रिक वायर था थंडर पंच सुपर फिट होना चाहिए, बाकी जो थंडर भी आता है तो तुम कुछ कर सकते हो यार इस चीज़ के ऊपर, करके दिखा दो इन लोगों को कि तुम कितने दमदार हो। ठीक है थंडर है पूरा जाना चाहिए यार, इतना चिंदी सट मूव नहीं है ये, पूरा जा पूरा पूरा पूरा, सर्वाइव मत करना, सर्वाइव मत करना बिल्कुल भी नहीं। एक कैच पे सर्वाइव कर गया। अब ये अपना मेरे हिसाब से वो लेगा सुपर रिपेल, सुपर पोशन लेगा या तो हाइपर पोशन, नहीं ये तो चला गया ना, ये सीधा फुल रिस्टोर लेगा देखना। ओके और आज पे सुपर फैटिक होना चाहिए यार, भरोसा है मुझे इस पे। तो अरे वाह ये हुई ना बात लुकारियो, तुमने तो आग लगा दी। चलो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा आने वाला है इसका, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका, लास्ट होने वाला है इसका। ये तो जिंक्स तो इस कैच पे यूज़ करेगा ही। ओके भाई लव की सियार, ये स्लीप कर जाएगा। अरे यार रिस्क इन 200 यार, इसको क्यों आता है ये मूव। अगर मैंने थंडर यूज़ किया जिंक्स पे तो जिंक्स जा सकता है, पर वो पोशन यूज़ करेगा, तो बेटर है कि हम लोग भी अपने बैग में जाएं
और ढूंढते हैं अपना अवेकनिंग फोर स्टोर यूज़ कर ही नहीं सकते, क्या बात है यार। मतलब वो यूज़ कर सकता है तो ठीक है, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका लेवल भी हमारे करीब पहुंचने पे आ चुके हैं, 55 पे हैं और ये मेरा फोर्थ बैच है। लगता है पोकेमॉन लीग तो सारे पोकेमॉन 100 तक पहुंच जाएंगे और इनके भी पोकेमॉन 100 तक पहुंच जाएंगे तो हराना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इक्वल हो जाएंगे ना सब लोग। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया है अपना ओरा स्फीयर, देखते कितना डैमेज पड़ता है। पूरा जाना वेनिला फ्लेवर जो भी तेरा नाम है। ओह ये आइसक्रीम तो पूरी गई, चलो देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका। अरे ये जिंक्स ही बचा ना इसके बाद, तो इसका बाकी दो तो मर चुके हैं, ये ही ना बात। अच्छा इसमें एक्सप्लोजन किया, हमारे से दो पोकेमॉन गए, इसके सारे पोकेमॉन जाने वाले हैं। ओके मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, हमें ना अटैक करना है थंडर लग जाए या ओरा स्फीयर, ठीक है ना। दोनों में से जो भी लग गया, अरे सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये। थंडर लगा, देखते हैं कितना इसकी हेल्थ बचती है। इसे बनना चाहिए यार पूरा। अरे यार पहले से ज़्यादा बच गई, मतलब इसका डिफेंस इतना अच्छा है। मतलब यार एक ट्राइप न्यूट्रल पोकेमॉन भी नहीं, मतलब इतना देता होगा इससे ज़्यादा, फिर भी इसने मतलब खुद को सर्वाइव कर लिया और साथ में से क्रिटिकल हिट भी नहीं पड़ा। गुड जॉब। ओके तो हम फाइनली जीत चुके हैं, तो शायद मुझे, अरे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं इस बार। मतलब आप जिस टाइम पोकेमॉन लीग को हरा रहे हैं ना, पहुँच रहे हैं मतलब पोकेमॉन लीग के पास पास, तो हमें अच्छे अर्निंग मिल रही है। यहाँ पे हमें मिल चुकी है मास्टर बॉल, ये हुई ना बात। ठीक है तो यहाँ पे दो मास्टर बॉल, एक मास्टर बॉल है पता नहीं। चलो अभी के लिए हम बाहर चलते हैं पोकेमॉन सेंटर और एचपी फुल करते हैं, और मेरे हिसाब से भी नेक्स्ट सिटी के लिए निकल जाना चाहिए। हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है नॉर्मली, हाँ ये आइसलैंड का काम खत्म हो चुका है। चलो फिर आते हैं हम लोग। तो अभी के लिए जो मेरी एचपी है ना वो फुल हो चुकी है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का हमारा मेनली जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अंडरग्राउंड सिटी चलते हैं, यहाँ से हमारा एग्जिट होने वाला है और यहाँ भी हमारी नेक्स्ट सिटी होने वाली है। मुझे बस इस बात का डर है कि वहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रेनर्स ना हो फाइट करने के लिए, कोई नॉर्मल ट्रेनर बहुत ज़्यादा होते हैं। मर गए, चलो बैटल कर लेते हैं इनसे। तो गाइस मैंने इन सबको डिफीट कर दिया, तो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इसके अलावा, क्योंकि ये पहले हिल रही थी अभी हिल नहीं रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। पहले चल रही थी तो इसने फाइट नहीं की थी मुझसे, अरे यार इस ये फाइट करेगी तो बच जाते हैं इसे हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे। ओके तो यहाँ पे हम अब आ चुके हैं आगे की तरफ, और देखते हैं भाई यहाँ पे बाइसाइकिल गैंग बहुत ज़्यादा है। ओह शुक्र है एचपी फुल करने के लिए कोई मिला तो सही, चैंसी तुम एक लाइफ सेवर हो यार, अगर तुम ना हो ना तो मतलब ना हम ये भी गेम खेल ना पाए। ओके तो ये पीटर यहाँ क्या कर रहा है, आर यू ओके? हर बार बंदा मुझे रेस्क्यू करने आता है, मैं रेस्क्यू से थक चुका हूँ, और तुम बिग हीरो बन जाते हो, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ओके तो मतलब ये ट्रू कलर्स तो दिखाने लग पड़ा इन दी एंड, तो दिखा रहा है भाई मैं कितना ख़राब बंदा हूँ। और कहते हैं तुम और गैरी दोनों के दोनों मतलब सबको ये दिखाते हैं, अपने टाउन में प्राउड करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं भाई इसकी रियल फीलिंग यही है, नहीं वो कंट्रोल में नहीं है, उसकी रियल फीलिंग ही यही है भाई, वो ठग रहा है। अगर ये हारेगा ना ये पलट जाएगा देख लेना। ना 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 ट्रू पोटेंशियल दिखाने वाला, चलो देखते हैं इसका ट्रू पोटेंशियल कैसा है। ओके गाई तो इसका ट्रू पोटेंशियल निकल गया, और अब ये बोल रहा है भाई मैं अंडर कंट्रोल में था, मैंने तो जो बोला वो झूठ था भाई, तुम बहुत ताकतवर हो, बस ऐसे ही बोलने वाला है ये नॉर्मली ऐसे ही करने का ये। ओके मुझे पता है चल मैं कितने पे बाप बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला इस बात पे अब। हाँ ये यकीन कर सकता है पर मैं यकीन नहीं करूँगा, ठीक है ना, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये बंदा ऐसे ही मतलब बोल रहा है, ठीक है ना। ओके माय जर्नी कंटिन्यूस, करता रहा अपनी कंटिन्यू जर्नी, बस हमें से हेट करता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अबे यार देखा वो छाता लेके लड़की ऊपर खड़ी है, अरे यहाँ का सीन क्या है। ओके यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट पाथ मिल रहा है, पर बंदे बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यार चलो फाइट करनी पड़ेगी क्या। अरे यार पोकेमॉन शॉर्टकट भी नहीं था यहाँ पे, तो गाइस मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे डिफीट किया। अब मैं आगे की साइड देखता हूँ क्या सीन बनने वाला। वाह चलो जी इसको भी डिफीट करना पड़ेगा हमें एक बार। चलो अरे यार भाई आगे तक गया फिर बंदा। अब मैं अगर पोकेमॉन की हालत दिखाऊं, ये देखो भाई ये मेरे पोकेमॉन की भी करंट हालत है, अगर मुझे पोशन नहीं मिला ना तो मेरी बैन बच जाएगी। ओके मैंने रिवाइव यूज़ किए थे अपने और बहुत मुश्किल सर्वाइव किया हूँ मैं, और मैं अब ज़्यादा बैटल्स नहीं कर पाऊँगा यार, मैं थक चुका हूँ बस बैटल्स करके। दिखाता हूँ तुम लोगों को अपनी पोकेमॉन की करंट सिचुएशन कैसी है। तो ये रहा हमारे पोकेमॉन, और अभी के लिए हम बस लाल पे हैं बहुत बुरी तरह। अच्छा यार सब टीम रॉकेट का आर क्यों बना हुआ है यहाँ पे, लगता है यहाँ पे कुछ झोल झपाटा होने वाला है। इससे अच्छा पहले हम एचपी फुल कर लेते हैं और देखते हैं। तो देखो यार नीचे की साइड ना, जो सबरीना के जिम के नीचे साइड में एक एक्स्ट्रा जिम होती है ना, वहाँ पे ना ऐसे हमें पोकेबॉल मिलेंगे, इसमें से हम दोनों पोकेमॉन ले सकते हैं। इनफ रूम नहीं है मेरे पास, मैं रूम बना कर आता हूँ उनको। तो अब देखो मैंने ये पोकेमॉन ले लिया है, क्या ये पोकेमॉन ले सकते हैं, यू डोंट हैव इनफ रूम। ओके मैं भी पोकेमॉन ले सकता हूँ, चलो मैं वापस आता हूँ ना। ठीक है हमें ये पोकेमॉन मिल चुका है, यही पोकेमॉन मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, चलो आगे देखते हैं क्या बनता है।
तो ये रहा वो पोकेमोन, ठीक है। ये 75 और 60 का है, मुझे पता है लेवल लालच देने के लिए काफ़ी है, पर मुझे सिर्फ लुकारियो पसंद है, मुझे इन पोकेमोन में कोई खास नज़र नहीं आती है। तो मैं इसे पीसी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और अपना लुकारियो और अपना फ्रेलिगलेटर वापस ले रहा हूँ। ये देखो मेरा शाइनियर अननोन, ये 99 का मिला था मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, शाइनियर है ना नॉर्मल, अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। अब हम यहाँ से बैक कर देते हैं और हमें ना अब बैच जीतना चाहिए, मुझे पता है बैच जीतने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि वो नॉर्मल सबरीना की जिम है, तो हाँ इतनी प्रॉब्लम तो होगी। फ़ाइट वगैरह टेंशन बोल दो, फाइट्स वगैरह मैंने पहले ही कर ली हुई है, मैंने मुझे रास्ता अभी तक तो समझ नहीं आया कि जाना कैसे है, मतलब मैं सबरीना तक पहुँच गया था पर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ रास्ते में, तो मतलब ना लोड सेव का चक्कर होने वाला है यहाँ पर, तो तुम लोग ध्यान देते रहना कि मतलब मैंने कैसे किया क्योंकि मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं, बस मैं चलता जा रहा हूँ जहाँ ये लेके जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो मुझे क्लैरिटी है, इसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ से मैं देखना है यार यहीं से, चलो अरे देखा एग्जिट गलत हो गया ना, चलो यहाँ से देखते हैं अब सही जा रहे हैं क्या शायद, चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ अब यहाँ इन तीनों में से एक पे होने वाला है वो, अब देखते हैं एक वाला है कौन सा। अरे वापस आ गए हम यहाँ पे तो वापस, अरे यार फिदा वहाँ पे गलत सीन है यार, रुक जाओ यार, बस मुझे यही चीज़ पसंद नहीं है यार, ये आइस पल से भी ज़्यादा बेकार है ये। ओके अरे वाह, चलो यहाँ पे दोबारा देखते हैं, यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग, यहाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ, चलो अब यहाँ पे सेव करते हैं। अब ध्यान से देखना भाई इनमें से रास्ता है कौन सा, नहीं ये नहीं है यार, वो तीनों में से एक रास्ता ही होने वाला है यार, मैं गलत जा रहा हूँ इतना तो मुझे पता लग चुका है। हम लोग ना एक बार देख लेते हैं दोबारा, अरे यार गलत सीन हो गया ना, लोड करते हैं यहीं पर सेव करेंगे। अब सारे रास्तों को एक बार चेक करना है यहाँ पे, जब ये पाथ आए ना चेक करते रहना है एक बार, अरे ये लास्ट वाला था यार। तो हम फाइनली जिम में आ चुके हैं, मतलब एक तरह से पहुँच चुके हैं इसके पास। ओके चाइल्ड ऑफ लेजेंडरी, ओके क्या पीटर एक कावर्ड है भाई, वो तो मुझे पता है, वो मुकर गया था अपनी बारे में, बोल रहा था भाई 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 मैं कब्जे में था उसके, मुझे अरे ये छोटी सी बच्ची है जिसे बैटल करनी है हमने, ये भी हॉस्टेज है उसकी, वाह वाह होस्ट है ये, सॉरी वाह बढ़िया बढ़िया यार, ये मतलब क्या है ये सीन, इस चीज़ का कोई डार्क वगैरह कोई एनर्जी है जो सबको अपने वश में कर रही है, कमाल है। और ये बेलोसम, मुझे नॉर्मली ना बलोसम दिखने मिलती ना किसी भी गेम में, उसके डिफेंस इतने अच्छे नहीं हैं जितने इस गेम में है। अगर तुम्हारे पास बलोसम का पूरा ढेर है ना तो तुम पोकेमोन लीग जीत सकते हो यहाँ पे भाई। अभी इसका डिफेंस दिखाऊंगा, न्यूट्रल अटैक भी लगने वाला है इस पे, तो देख लेना। इस कराने के लिए फेलिगेटर निकालते हैं बाहर, मेरे साथ तुम्हारा काम कम्प्लीट हो चुका है, तुम बाहर आ जाओ मतलब वापस आ जाओ। अरे यार बाबा वो गलत बटन दबी जा रहा हूँ मैं। ओके अभी ड्रैगन इसका कमाल दिखाते हैं इस स्टार पोर्ट को, पूरा जाना पूरा जाना प्लीज़ माई फ्रेंड पूरा जाना। ये था न्यूट्रल मूव का कमाल, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है। ओके यार इस बेलोसम को मैं कैसे हरा हूँ यार, अभी ये योगा कर रहा है क्या या कर रही है, एक मिनट, ये तो लेजेंडरी पोकेमोन है ना एक, मुझे याद है ऐश ने इसको शायद ब्लैक एंड वाइट में लिया था या उसके साथ था ये, पर शाइनियर में, और इसने क्या सीन है ये, कुछ आइडिया किसी को, नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है, ये था यार ब्रो ग्रीन में था वो मेरे हिसाब से। हाइड्रो कैनन भाई बड़ा मस्त मूव है, पर इसका डिफेंस चेक करो भाई मतलब मैं क्या बोलूँ इसके डिफेंस का यार, कितना डेंजरस डिफेंस है इसका यार, वाह एचपी अलग से फुल कर रही है ये अपनी। ओके हम फ्लाई करके से ख़त्म करते हैं, जाना चाहिए इसे फ्लाई से पूरा पूरा जा, अभी सुपर इफेक्टिव तो है पूरा क्यों नहीं गया, ट्राई अटैक मतलब अब इनमें से मुझे एक स्टेटस जरूर लगेगा, बर्न थंडर या आइस क्या लगने वाला है, बर्न ओके। तो मुझे ट्राई अटैक बिल्कुल पसंद नहीं है, एक तो इसका डैमेज बहुत कम होता है, प्लस जब भी बंदा, अरे वाह सिंगिंग आज अच्छा लगा मुझे ये, ये तो हमारा पोकेमोन सो जाता अगर ये बर्न ना होता इस वक्त। ओके तो मतलब बेलोसम का ये मेन प्लान है सुलाने का। ओके मतलब अगर मैंने लुकारियो में स्विच किया और अगर मेरा लुकारियो ट्राई अटैक से इनमें से कोई भी एक में नहीं बना तो ये सो जाएगा भाई, ये थोड़ा गलत सीन है, मैं कहूँ ये फ्रोजन हो जाए, डीफ्रोज होना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू बर्न या फिर अपना पैरालाइज। ओके देखते हैं क्या होता है, आइस 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 का स्टेटस, आइस 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 आइस, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ओके सिंगिंग किया बच गए हम लोग अटैक मिस। ओके तो इसने मेरे हिसाब से उस पर किया अपना सेलमेंस पे, अच्छा सेलमेंस उड़ रहा है, नहीं तो ये सला देता यार। ओके ओरा स्फीयर मुझे पता ही लगेगा अभी क्योंकि अभी हम डीफ्रोस नहीं हुए हैं। चलो ये तो गया ना, इसका ट्राई अटैक ख़त्म हो गया, तुमने बहुत साथ दिया,
ओरा स्पीयर लग जाए ना तो इसका ये जो बेलोसम है पूरा जाएगा। ओके देखते हैं बाकी हम। ओके स्नोरलैक्स और डीफ्रोज हो गया, ये हुई ना बात, तो ये लग जाए इस पर भाई। ये इसका डिफेंस बहुत मस्त होने वाला, देखते हैं कितना अच्छा डिफेंस है। अभी उसकी एचपी देखो होली होली अंदर जा रही है, देखो कितना अच्छा डिफेंस है बंदे का। मतलब ये एचपी भी ना क्या बता रही होगी हमें, कितना डेंजर बंदा है ये। वाह अलग से इसने अपना पोशन यूज़ कर लिया, जिसके बाद जो एग होता है उससे इसने अपनी एचपी रिकवर कर ली। भाई गलत सीन है, गलत बात है यार, तुम गलत बात कर रहे हो यार। अब बताओ क्या करें, बताओ इस बंदे का हम भी, मतलब यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ये ब्रॉक के पास था, मुझे लगा कि ये सिर्फ हेल्थ रिस्टोर करने के लिए होती है, पर मतलब ये इस गेम में सबसे ज़्यादा अगर है यूज़फुल तो यही है। एच पी रिस्टोर करनी है इसके पास जाओ, और बंदे को ट्रोल करना तब भी इसके पास जाओ। चलो देखते हैं, पूरा जा पूरा जा पूरा 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 पूरा, ओह शुक्र है भाई पूरा गया। अगर ये सर्वाइव कर जाता ना तो हम पिट जाते बहुत बुरा वाला। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है। ओके तो ये इसका दूसरा पोकेमोन है, अगर ये दोनों मर जाएंगे तो इसको एक ही पोकेमोन बचेगा इसका। सेलेमेंस को इसने अपना डिफेंस करने की कोशिश की, सुपर पावर ख़त्म है भाई हम यहाँ पे। सॉरी लुकारियो मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, पर हाँ अब तुम्हें जाना होगा यहाँ से। ये लुकारियो गया सुपर पावर से, पर मेरे हिसाब से स्नोलैस कराने के लिए कोई ना कोई पोकेमोन तो ज़रूर होना चाहिए। किस पर भरोसा करें हम लोग, क्या लगता है एम्ब्रोर तुम कुछ कर पाओगे इसके बाद? मैं एम्ब्रोर पर भरोसा कर रहा हूँ, देखते हैं एम्ब्रोर क्या कर पाता है यहाँ पे। ओके तो इसने अपनी हेल्थ दोबारा रिस्टोर की है। ओके स्नोलैक्स तुमने थोड़ा सा डिफेंस लिया और थोड़ा डैमेज दिया और पूरा बंदा ख़त्म कर दिया, पर मैं करूँगा सुपर पावर जो तुमने मेरे पे किया था। बदला भाई बदला चाहिए हमारे लुकारियों का हमें। और यह तुम्हें पता है इस गेम में विकसित हुआ लुकारियों भी मिल जाता है। मैंने ना पीछे था जब मैं अपना आइस के पार करके बाहर निकला सिटी के आने के लिए, घास में गया तो मुझे एक लुकारियों मिला, पूरा लुकारियों आराम से 50 के करीब का लुकारियों था। तो हाँ यार अगर तुम्हारे पास लुकारियों नहीं है, तुम्हें नहीं मिला राल्स स्टार्टिंग में, तो तुम लुकारियो पकड़ सकते हो 55 का, जो बहुत बढ़िया है यार। या तुम्हें वो नहीं पकड़ना तो तुम्हें जो दो पोकेमोन मैंने दिखाए हैं उन दोनों में से एक फॉरन टाइप पोकेमोन तुम रख लो। अब मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हाँ उन दोनों में से तुम देख लो किसका स्टेटस तुम्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है, किसका तुम्हें अटैक ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसके सही में सबसे डिट्टो सेलेमेंस बन जाएगा ये, बहुत चांस है। बाकी हम देखते हैं ड्रैगन का कितना डैमेज इससे बढ़ता है, कितना ज़्यादा टाइप न्यूट्रल में बचता है। ट्रांसफॉर्म सेलेमेंस, मुझे लगा ही था ये सेलेमेंस ही बनेगा। ठीक है तो मैंने किया है सुपर पावर तभी, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं था, पर सुपर पावर से ये पूरा जाएगा। क्रिटिकल हिट होगा ये देख लेना, ये क्रिटिकल हिट है सेलेमेंस पे ये। हाँ क्रिटिकल हिट मुझे पता है भाई, क्योंकि ये टाइप भी बदल देता है ना अपने नॉर्मली, तो हाँ ये क्रिटिकल हिट है। ठीक है तो हमने इसको डिफीट कर ही दिया फाइनली, ये हुई ना बात। चलो देखते हैं अब इसका क्या आगे, मतलब हमें बैच वगैरह देगी कि ये नहीं देगी, इसका कोई भरोसा लग नहीं रहा है, ये बच्ची सी है। नहीं दे दिया बैच इसने, भरोसा है मुझे इस पर। तो हमें हमारा बैच मिल चुका है, ये है रेगुलर बैच, पर ये रेगुलर नहीं था। और बस मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है। हमें मिला TM04, क्या है ये TM04 का माइंड, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ठीक है ना भाई, अब एग्जिट करना, एग्जिट कैसे करेंगे हम लोग? ओके हाँ हो गया एग्जिट, बस यहीं से एग्जिट हो जाएगा हमारा। ठीक है मतलब अपने बैच दे सकते, हमारा 5th बैच था मेनली, ये मेरे हिसाब से 5th बैच है ये हमारा। चलो देखते हैं एक बार बैचेस देख लेते हैं। तो ये है हमारे भी करंट बैचेस, ये हमारे 5 बैचेस हैं, 3 रह गए जीतने के लिए। तो हाँ ठीक है, दूसरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा समझो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।